बीएनएन न्यूज में एक बार आपका फिर स्वागत है। जरीपटका पुलिस स्टेशन से मैं अनस अंसारी बीएनएन न्यूज के लिए। मैं एक विषय में यहाँ आया हूँ, सिंधी समाज के धर्म गुरु जो अमृत वेला ट्रस्ट करके हैं, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 486 ट्रस्ट है उसके, वो धर्म गुरु और सिंधी समाज के धर्म गुरु में उनके पूरे ऑल ओवर इंडिया से नहीं पूरे वर्ल्ड में उनके फॉलोअर हैं। और उनके खिलाफ एक व्यक्ति है जिसका नाम अश्विन भटवानी है, जो अपशब्द उनके खिलाफ ऐसे शब्दों की भाषा उपयोग कर रहा है जो किसी भी समाज को गुरु को सम्मान को ठेस पहुंचाना है। ऐसे ही गुरु को जो सम्मान को ठेस पहुंचा उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए यहाँ पे सिंधी समाज की महिला और कुछ नौजवान साथी और कुछ मेरे दोस्त यहाँ पे आए हैं, और उन्होंने एक डिपोटेशन दिया पीआई संतोष बाकल साहब को कि हमारे धर्म गुरु जी के खिलाफ एक व्यक्ति ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है जो किसी भी समाज में नहीं की जाती, और किसी भी धर्म गुरु का अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है, न समाज को है न कानून को है। इसी तर्ह जो व्यक्ति उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, और धर्म गुरु जी का नाम है भाई साहब प्रीति सिंह रिंकू वीर जी, इनका ये पूरा नाम है, और इनको बड़े आदर और सम्मान के साथ सिंधी समाज पूछता है मानता है। ये कब से ऐसी अपेत्र भाषा का उपयोग कर रहा है? काफ़ी सालों से कर रहा है, लेकिन अभी हमको उनका पता चला है, लेकिन जब एक साल हुआ हमको पता चला है, फिर भी हमने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हमारे गुरु हमारे वीर जी ऐसे, अगर हम उनको उनके बारे में बताएंगे भी ना तो उनके लिए कोई नफरत वाली भाषा नहीं बोलेंगे। अगर वो अगर गलती से भी उनके सामने आ गए ना, वो उनसे प्यार ही करेंगे। धर्म गुरु का मतलब यही होता है कि सबको सम्मान देना और दुश्मन को गले लगाना। वो धर्म गुरु है इसलिए उनका ये बड़कपन है और ये उनकी प्यार है, ये मोहब्बत है कि दुश्मन को भी गले लगाते हैं, इसलिए लोग उनको धर्म गुरु मानते हैं और आदर करते सम्मान करते हैं। ये तो उनका काम है। आप समाज के लोग, जिम्मेदार लोग, और इतनी सारी महिला मेरे साथ आई है, आपका क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी इतनी ज़्यादा अफवाहें फैला रहा है वो आगे चल के खुद ही पछताएगा, क्योंकि मैं भी उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपसे हो सके तो भाई साहब की पूरी वीडियो सुनो, उसमें अगर कहीं भी आपको कुछ गलत लगता है ना तो आप अपने उस वीडियो को बार बार विचार करो, क्योंकि आपकी सोच में गलती हो सकती है, भाई साहब के सत्संग में कोई गलती नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों से हम भाई साहब का सत्संग सुन रहे। अगर सनातन धर्म के देवी देवताओं का, उनके रस्मों का अगर सही मतलब हमको किसी ने समझाए ना ही, तो भाई वो हैं भाई रिंकू वीर जी। मेरे साथ है अमृत वेला ट्रस्ट नागपुर के अध्यक्ष हितेश देवानी जी। हितेश दीवानी जी, बीएनएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आपने यहाँ डिपोटेशन जरीपटका पुलिस स्टेशन में दिया, आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य और विषय क्या है? विषय ये है कि हमारे भाई साहब रिंकू वीर जी, जिनके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े सामाजिक कार्य होते हैं, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, नानक रोटी ट्रस्ट की तरफ से जो सत्संग होता है, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन ला रहे हैं, वो मांस मछली अंडा शराब सबको छुड़ाने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद गुरु से सबको जोड़ रहे हैं, गुरबानी से जोड़ रहे हैं, धर्म के लिए वो बहुत जो काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, जो उनका जो कीर्ति बढ़ रही है उसके अगेंस्ट में जो लोग, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो लोग, उनके अगेंस्ट में उनका जो नाम बढ़ गया है, जिनकी वजह से जो पाखंडियों की दुकानदारी बंद हो गई है, उनकी वजह से, उनके सत्संग की वजह से लोगों की आंखें खुल गई हैं, तो जिनकी दुकानदारियां बंद हो गई हैं, जिनके धंधे बंद हो गए हैं, ऐसे लोगों के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो लोग भाई साहब के अगेंस्ट में कुछ लोगों को सामने रख के, अश्विन भटवानी जैसे, और बहुत सुदामा भोजवानी है एक अब बुरहानपुर का, उनके जैसे लोगों को सामने रख के, और जो ये जिनका आपने नाम लिया वो लोग कौन है और वो लोग क्या कर रहे हैं आपके गुरुजी के खिलाफ? वो लोग भाई साहब के प्रति टोटली अभद्र भाषा, गलत भाषा, अनएक्सेप्टेबल भाषा जो यूज़ कर रहे हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं उनको तोड़ मरोड़ के, भाषा को तोड़ मरोड़ के जो प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो यहाँ की जो हमारी संगत है, जो लोग हैं, उनको जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो सांप्रदायिक दंगे या हिंदू और सिंधी समाज और सनातन समाज, इनको जो बांट के जो झगड़े और दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके अगेंस्ट में यहाँ पर FIR कराने आए हैं। वो लोग का पूरा नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले वो बताइए आप मुझे। ये एक अश्विन भटवानी है मेन जो है, और ये अहमदाबाद का रहने वाला है। अब जानकारी मिली है कि ये पुणे में रह रहे हैं। दूसरा एक सुदामा भोजवानी भी है। ऐसे कुछ लोगों का ग्रुप है, इनका काम ही है कि अलग अलग समाज के बारे में बातें करके लोगों को भड़काना, ऐसे माहौल क्रिएट करना। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, बहुत संस्थाओं के लिए करते हैं, लेकिन अब जो भाई साहब के लिए जो बात कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज, वो
कोई भी। ये भाई साहब कहाँ, जो आप धर्म गुरु जी है वो कहाँ रहते हैं? जी ये उल्लासनगर में रहते हैं और मेन हमारा जो अमृतला ट्रस्ट का जो मेन ऑफिस है वो उल्लासनगर में है। और पीआई साहब ने क्या कहा? जी पीआई साहब ने बहुत अच्छे से कॉरपोरेशन करके हमको बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और जितनी भी इनके ऊपर जो ये जो इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ करी है और जो माहौल ख़राब कर रहे हैं इनके ऊपर जो क्या उन्होंने FIR दर्ज कराए? जी कहाँ अभी वही चालू है, मैं FIR का वो वहाँ पे चालू है, कार्रवाई चालू है। मैं यहाँ पे दो मिनट के लिए आपसे बात करने के लिए वापस वहाँ पे। एक FIR का भी आप मुझे दे सकते हैं और कौन कौन सी कलम का उसमें उल्लेख है वो बताएंगे? और उसकी पीआई साहब से मैं बात करूँगा, क्या उनकी गिरफ्तारी कब तक की हो जाएगी? जी ये तो पीआई साहब ही बताएंगे कब तक होगी, वो आगे ही कार्रवाई करेंगे। बाकी मैं जैसे ही FIR की कॉपी निकलती है इमीडिएटली एक कॉपी आपको भी दे दूंगा मैं। उनका कहना है कि 153A, 298 और 295A ये धाराएं उनके ऊपर लगा रहे हैं। अच्छा हाँ। मेरे साथ है एक वरिष्ठ पीआई जरी पटका पुलिस स्टेशन के, जिनका नाम संतोष बाकल साहब है। ये बहुत वरिष्ठ पीआई है और इन्होंने एक ऐसे विषय के अंदर FIR दर्ज करी है जो सिंधी समाज के धर्म गुरु जी के खिलाफ अश्विन भटवानी करके एक आरोपी है जो उनके खिलाफ अपशब्द ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा है जो किसी भी समाज को ठेस पहुंचा देती है। इसी विषय में मैं यहां मौजूद हूं, मेरे साथ जरी पटका पुलिस स्टेशन के PI सर मेरे साथ है संतोष बाकल सर। संतोष बाकल सर आपका BN News में बहुत बहुत स्वागत है। आपको आपके पास ये विषय आया तो आपको कब मालूम पड़ा? थैंक यू भाई, यह आज सवेरे ही मेरे तरफ कुछ एक डेलीगेशन आया है, उन्होंने जो निवेदन सादर किया है महाराज जी के बारे में तो उसके रिगार्डिंग जो भी सेक्शंस के तहत ऑफेंस रजिस्टर बनता है वो ऑफेंस रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू है। मैं अपील करना चाहता हूँ सारे अपने भाइयों को कि इस तरह की YouTube पे जो हमारे श्रद्धास्थान होते हैं, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन होते हैं, इनके बारे में लोग कुछ जो समाज कंटक लोग हैं वो अनाप शनाप कुछ तो भी बातें करते हैं, उससे आहत पहुंचती हैं, तो लोगों से अपील है कि इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी और उसका केस कोर्ट में भेजेंगी। सर इस पे कौन कौन सी धाराएं का आपने लगाई है और कौन कौन सी धारा कब तक अरेस्ट हो जाएंगे? अभी FIR हो रही है, जैसे ही उसका मोबाइल नंबर मिलता है FIR में मोबाइल नंबर आएगा, हम उसका लोकेशन ट्रैक करेंगे, वो जहाँ भी है वो व्यक्ति अश्विन भटवानी नाम का, उसको हम वहाँ से लेकर आएंगे। सर ये इसमें जो धाराएं लगती है किसी भी समाज के धर्म गुरु के खिलाफ ऐसी भाषा का उपयोग करना, किसी भी समाज के खिलाफ ऐसी अपमानितजनक शब्दों का उपयोग करके उसको समाज को ठेस पहुंचाना, उसके अंदर कानून के अंदर कौन सी कलम का उपयोग आप करते हैं और क्या उसके अंदर विषय रहते हैं? उसमें मोस्टली 295A लगता है, इसके अलावा जो भी 153 FIR में जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे उस मुताबिक उसकी धाराएं लगेंगी। और इसके अंदर जैसे FIR होने के बाद जब आपका मोबाइल नंबर आएगा, आपने कहा कि उसको हम अरेस्ट करेंगे, तो जैसे आपको ये क्योंकि वो महाराष्ट्र के बाहर रहता है तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इस कठिनाई को आप कैसे हैंडल करेंगे? हाँ वो जो भी प्रोसीजर है हमारी सीनियर्स से परवानगी लेना।